छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले जिले के सीएचओ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी तीन सूत्री मांग को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विगत 2 माह से लेकर अधिकतम 15 माह तक का कार्य आधारित वेतन पीएलपी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके संबंध में संघ द्वारा समय समय पर अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया एवं इस दौरान संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से मिलने का अथक प्रयास किया गया, परंतु संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के द्वारा घंटों इंतजार करने के बावजूद चर्चा के लिए समय प्रदान नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार से लिखित जानकारी प्रदान की गई। इससे नाराज दुर्ग जिले के सीएचओ ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर अपनी तीन सूत्री मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष अजय नायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी प्रकोष्ठ के न्यायोचित मांग के लिए समर्थन करता हूं। इनकी मांग बिल्कुल न्यायोचित है। हमारी मनसा कदापि हड़ताल धरना प्रदर्शन में नहीं रहता, क्योंकि हम सब पीड़ित मानव के सेवक और सेविका हैं। लेकिन जब जब राज्य में जिला में अराजकता फैलती है, प्रशासनिक तानाशाही बढ़ती है, श्रम का शोषण होता है और आर्थिक शोषण होता है, तो विद्रोह जैसी भाव पैदा होती है। यही विद्रोह भाव के कारण आज हमें हड़ताल पर आना पड़ रहा है। हमारी मांग, तीन मांगे हैं प्रमुख मांग। हमें जो वेतन स्वरूप मिलने वाले जो पीएलपी है, उनको हर महीना निश्चित रूप से निश्चित समय में प्रदाय किया जाए। स्थानांतरण चूँकि अब अलग 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 जिले से यहाँ पे सेवाएँ दे रहे हैं, हमको स्थानांतरण का अधिकार मिलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने पैतृक जगह में अपने परिवार के बीच में रहकर स्वास्थ्य सेवाओं को संपादित करना चाहता है। हमारी जो कार्यस्थल है उसे 8 किलोमीटर की दूरी में मुख्यालय बनाने का हमें परमिशन दिया जाए, वो भी शासन परमिशन नहीं देता है। क्योंकि जितने भी सामुदायिक जितने भी केंद्र बने जहाँ हम सेवाएँ देते हैं, वहाँ पर हमारे अनुकूल वहाँ पर आवास व्यवस्था नहीं, कारण हम अपने निजी आवास से वहाँ पर यात्रा करके अपनी समय टू समय में अपनी कार्य को संपादन करना चाहते हैं। तो शासन किस में क्या है, क्या दिक्कत हो रही शासन को, हमारी सेवाएं पूरी ली जाए लेकिन हमें 8 किलोमीटर में रहने का हमें अनुमति प्रदान किया जाए। और इसी न्याय को लेके हमारा जो कांकेर का जो संयोजक है उनको सेवा से ये कर दिया गया, बैठा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनको बहाल किया जाए। एक छोटी सी मांग है, शासन प्रशासन चाहे तो इसको तुरंत निराकरण कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जिनकी वजह से हमें हड़ताल करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी इसका भरपूर समर्थन करती है, सहयोग करती है। यहाँ पर हम लोगों ने सीएचओ संघ से जो आंदोलन किया है उसका तीन बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला तो ये कि हम लोगों का जो इंसेंटिव जो होता है पीएलपी, वो हम लोगों को पिछले 5-6 माह से प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके लिए जब भी हम अपने अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें आश्वासन ये दे करके छोड़ दिया जाता है कि फ़ंड प्राप्त नहीं हुआ है, फ़ंड नहीं मिला है। जबकि हमको ऊपर से पता चला है कि फ़ंड वगैरह आ गया है लेकिन वो हमें नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम काम तो रोज़ कर रहे हैं, रोज़ अपने ड्यूटी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमारी भी निजी आवश्यकताएँ होती हैं, घर चलाना होता है, खर्च होता है, पेट्रोल पैसा होता है, बहुत सारा चीज़, तो हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा बस ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको समय पर वेतन इंसेंटिव जो है वो हमको टाइम पे मिलना चाहिए। दूसरा कि जो ज़्यादातर जो सीएचओ हैं वो अपने ग्राम से बहुत दूर पोस्टिंग है, तो और हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता है कि आप वहीं पर जो हेडक्वार्टर है आप वहीं पर रहिए, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। वहाँ पर सीएचओ अगर अकेली है तो उसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ छेड़खानी, बदतमीज़ी, रेप केस जैसे होते हैं, तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ सीएचओ को ही रहना है, और जिनका घर पास में है उनको ये अनुमति देना चाहिए कि आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारे सीएचओ संघ के जो अध्यक्ष जी हैं पवन वर्मा जी, जो हमारे लिए पिछले बार आंदोलन किए थे, उनको किसी कारण से उनको निकाल दिया गया है, तो उनको वापस, क्योंकि ऐसे में कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको अगर निकालते जाएंगे तो ये सही नहीं है। आज हमारे साथ आज उनको निकाले हैं, कल को हम लोग आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम परेशान हैं तो शासन को हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए, हमारा काम देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कितना सारा शासन का काम जो है वो पेंडिंग हो रहा है, रुक रहा है। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है उसमें अधिकतर महिलाएँ ही हैं,
जिनका मतलब कई लोग हैं मतलब अपने गृह ग्राम से बहुत दूर में पदस्थ है, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि ऐसे भी अभी 2 वर्ष में कम से कम 25 से अधिक ऐसे प्रकरण हो चुके हैं जिसमें दुष्कर्म, रेप, मर्डर ऐसे टाइप के मतलब केसेस हुए हैं, जिसके कारण जिसके लिए मैं अपने अधिकारी उच्च अधिकारी शासन से मांग करना चाहूँगी कि वो हमें अपने गृह ग्राम में ट्रांसफ़र करवाए, और गृह ग्राम में भी कम से कम हमारे मुख्यालय मतलब मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में उनको रहने की अनुमति प्रदान करें, सुरक्षित महसूस न करें। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले आज आंदोलन का पहला दिन है। हमने सरकार को पहले भी इस बारे में इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि हमारी 3 जायज मांगे हैं, उस पर ध्यान देवे, जैसे कि हमने ऑनलाइन सारे कार्य बंद करके ताकि पेशेंट मरीजों को कोई असुविधाएँ ना हो करके ऑनलाइन बंद करके प्रदर्शन करने की कोशिश किया, लेकिन सरकार ने हमारे इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज हमको आंदोलन के लिए आज रोड में उतरना पड़ा, जिसमें हमारी 3 जायज मुख्य मांगे ये है कि हमें प्रोत्साहन राशि मिलता है जो कि हमारे PLP परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट है, जो हमारे कार्य आधारित वेतन जो होता है उसका महीने की 20 तारीख तक पेमेंट करने का उच्च अधिकारियों से आदेश है। उसके बावजूद दुर्ग जिले के साथ साथ कई अन्य जिलों में कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल से उनका प्रोत्साहन राशि लंबित है, जो कि सही समय में हम उनका मांग करते हैं कि हमें सही समय में वह प्रोत्साहन राशि दिया जाए और सारी लंबित राशि प्रदाय किया जाए। दूसरा हमारा मांग ये है कि कुछ हमारे स्वास्थ्य कर्म सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जो कई बलात्कार के पीड़ित हो चुके हैं, कहीं मर्डर के पीड़ित हो चुके हैं, छेड़छाड़ के पीड़ित हो चुके हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके गृह जिला में कम से कम उनका स्थानांतरण नीति लागू किया जाए और 8 किलोमीटर का दायरा बनाया जाए रहनिवास के लिए, ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रख कर हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सके लोगों को। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे कांकेर ज़िला के पवन कुमार वर्मा जी का बिना कोई वजह के अनुचित ढंग से उनका बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि बिना कोई कार्यवाही कारण जाने या फिर कोई कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए, उसको बहिष्कार किया गया। तो हमारी यह मांग है कि उसको बहाल किया जाए और जांच कमेटी बनाया जाए और जो भी दोषी है उसको उचित सजा दिया जाए। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।